हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल पी 55 प्लस 5G फ़ोन है, तो आईटेल पी 55 प्लस 5G फ़ोन है तो आईटेल पी 55 प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप QR कोड स्कैनर को कैसे अपने फ़ोन में शो कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और QR कोड स्कैनर कैसे शो कर पाएंगे आईटेल पी 55 प्लस 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड कैसे शो स्कैन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। जैसे आपका तो ऑप्शन आ गया जहाँ से आपको वाईफाई पे क्लिक कर देना है। तो वाईफाई पे जब आप क्लिक कर दोगे, तो आपके पास वाईफाई ऑन हो जाएगा, जहाँ से इस तरीके से स्कैनर को भी आप ओपन कर सकते हैं। स्कैनर को ओपन करके भी अपने फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। स्कैन करते ही अपने फ्लैश लाइट या स्कैनर का यूज़ करें किसी दूसरे फ़ोन में नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे, और वाईफाई का यूज़ भी आप कर सकते हैं स्कैनर का यूज़ करके, और जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है देखते हैं कि जैसे बैक करते हैं तो आप हॉटस्पॉट पे जाकर QR कोड भी शो कर सकते हैं इस तरीके से ऑन करके। देखते हैं आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है शेयर हॉटस्पॉट, तो शेयर हॉटस्पॉट का आप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आप QR कोड शो कर सकते हैं और स्कैन करके कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर शेयर भी कर सकते हैं आप और शेयर करके दूसरे फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से QR कोड स्कैनर भी शो कर सकते हैं और उसका यूज़ भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।